और अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच से मर्डर का मोटिव साफ हो गया है। पुलकित, सौरभ और अंकित ने मर्डर किया था। रिजॉर्ट के राज को दबाने के लिए मौत के घाट उतारा गया था अंकिता भंडारी को। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा, एसआईटी की जांच से मर्डर का मोटिव जो है वो साफ हो गया है। पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित ने मर्डर किया था। रिजॉर्ट के राज को दबाने के लिए अंकिता को मौत के घाट उतारा गया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने एसआईटी जांच की पुष्टि की है और अनैतिक काम के लिए दबाव बनाया करता था पुलकित। वही ये जानकारी वी मुरुगेशन ने दी है। जॉब के नाम पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी। पुलकित ने अंकिता पर स्पेशल सर्विस के लिए दबाव बनाया था और अंकिता ने पुलकित को साफ तौर पर मना कर दिया था और अंकिता ने अपने दोस्त को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी। पुलकित आर्या को डर था कि अंकिता जॉब छोड़ देगी और उसके बाद ये जो बात है वो निकलकर सामने आ जाएगी। जॉब छोड़ने के बाद उसके राज से पर्दा उठ जाएगा और इसी वजह से अंकिता की हत्या की गई। तो जॉब छोड़ने के बाद उसके राज से उठ जाएगा पर्दा और इसी राज को दबाने के लिए, छिपाने के लिए अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच से मर्डर का मोटिव साफ हो गया है। पुलकित आर्या, सौरभ और अंकित ने अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतारा था। रिजॉर्ट के राज को छिपाने के लिए उसे मौत के घाट उतारा गया था। आपको बताते चले कि स्पेशल गेस्ट को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने एसआईटी जांच पर पुष्टि की है और अनैतिक काम के लिए दबाव बनाता था पुलकित आर्या। एक रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड के राज का जल्द खुलासा हो सकता है। दरअसल पूरे मामले को लेकर एसआईटी और पुलिस प्रशासन एक्शन में। जांच के दौरान एसआईटी और पुलिस को कई अहम सुराग मिले। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई राज उगले। पुलिस के मुताबिक पुलकित, सौरभ और अंकित ने अंकिता की हत्या की थी। जांच में पता चला कि रिजॉर्ट में वीआईपीओ के लिए प्रेसिडेंशियल सूट की व्यवस्था थी और उन्हें स्पेशल सर्विस मुहैया कराई जाती थी। वीआईपी के लिए स्पेशल सर्विस को लेकर पुलकित अंकिता पर दबाव बनाता था, लेकिन अंकिता ने पुलकित को साफ तौर पर मना कर दिया। यही नहीं, अंकिता ने अपने दोस्त को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। रिजॉर्ट का पाप कांड कहीं बाहर ना आए, इसको लेकर वो डरे हुए और राज दबाने के लिए अंकिता की हत्या कर बैठे। हाँ, इनके पास एक प्रेसिडेंशियल सूट है, उसको जो भी उस पे ठहरता है उसको वीआईपी गेस्ट ये मानते हैं वहां पे रिसॉर्ट के एम्प्लॉइज। अब दूसरे है कि ये कौन आने वाले थे, उस पे क्या है कि उनके जो बात ये आ रही है हमारे सामने कि वो अपने मोटिव को आगे कराने के लिए, अपना बात को आगे कराने के लिए उसको ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि ऐसे ही मनगढ़ंत अपना बात कह के कि भाई ये कल आने का, परसों को एक पार्टी है उसमें भी आपको काम करना, जैसे टाइप पे। अंकिता हत्याकांड में पुलिस को अब तक कई अहम सुराग मिल चुके हैं। जांच टीम आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर चुकी है। जांच टीम को कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं। हमारे इंटरोगेशन तोरण, क्रॉस क्वेश्चनिंग और आमने सामने कराना, जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उसी बेस पे हम पूरा कंप्लीट उसको अनरेवल करते हैं। और हमारे पास जो एविडेंसेस बाकी, जैसे कि डिजिटल एविडेंसेस है और सीसीटीवी फुटेज हो और हमारे टेलीफोन हो, वो सारा हमारे पास आ गया है, तो हमारा केस बहुत मजबूत है। लेकिन जितने हमारे जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस हैं, स्टेटमेंट यानी कि टेस्टिमोनीज है, उनको हमने 164 भी करा ली है और भी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है वो भी हमने कलेक्ट कर लिए। अंकिता हत्याकांड में जांच का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। जांच और पूछताछ के दौरान मिले सुराग के जरिए पुलिस जल्द से जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश करने की तैयारी में है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ टेक।
और पौड़ी से आपको खबर बताते चले, अंकिता हत्याकांड को लेकर पुलिस एक्शन में है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर है और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो पौड़ी से ये खबर, अंकिता हत्याकांड को लेकर एक्शन में है पुलिस और सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। आपको बताते चले कि अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर है और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पौड़ी से आपको यह खबर बताते चले, अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां कई खुलासे हो रहे हैं तो वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर है, अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं है। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस के द्वारा ये जानकारी दी गई है। और अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार लोगों में भी काफी आक्रोश है, तो पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर है, अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं है, पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करना लोगों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस की पैनी नजर है सोशल मीडिया पर और भ्रामक पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि SIT का गठन कर इस पूरे मामले की जांच की गई और जांच में मर्डर का मोटिव भी साफ हो गया है। जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही है। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।